हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जरा एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जरा एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और आज की आपकी क्लास थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, बिकॉज आज के क्वेश्चन आपके ज्यादातर नए क्वेश्चन है ना? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिख नहीं रहे आप, ऐसा कैसे हो सकता? तो एक बार जरा जल्दी से बता दीजिए, आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ठीक है, तो एक बार सारे लोग जल्दी से बोल दीजिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और थोड़े से नए क्वेश्चन है, तो होप मत खोइएगा, क्योंकि आपने हो सकता है पढ़ा वो, हो सकता है नहीं पढ़ाओ, तो ये मत कि मुंह लटका लिया कि ये सर आज हमारे वर्ड गलत हो रहे हैं, तो सबके लिए गलत हो रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके मोस्टली नए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शिक्षक मेरे सीचे थे, गुड लक टू यू। ठीक है, तो स्टार्ट करें, शाल वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट करें? ठीक है, तो पहले मैं आपको आज का सोर्स बता देता हूं। ठीक है, आज के सोर्स मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब कहां से लिए गए? बेसिकली आपका देखा जा गया था इस बार सीटेट में। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आए, है ना? मतलब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए, जो कि ना तो एनसीईआरटी में मेंशन है ना किसी में भी। तो अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी की साइट पर जाइए, वहां पब्लिकेशन का एक फोल्डर होगा। ठीक है, उसमें आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से एक किताब। ठीक है, यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम जो इसका एडिशन है वो 2018 का है, हिंदी मीडियम का एडिशन 2022 का है। ठीक है, तो वहां से आप ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली आपका बेसिकली क्वेश्चंस उसी किताब से लेके बनाए गए। ठीक है, चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, जो है वो आपसे ये पूछ रहा है, पशु बोला पाड़ूंगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मल भाषा में मवेशी महोत्सव कहते हैं, किस राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, सर क्या क्या पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ा जा रहा, तभी तो पढ़ा दे रहे, खुद से तो खाना खाओगे नहीं श्वेता चौहान, है ना? दिक्कत तो यही है ना, कि तुमसे बोल दो, आजकल मास्टर ये बोल दे कि एक बार ये किताब देगा, अंदर का सनी देओल जाग जाता है। आए, तू काय के लिए खड़ा किया हमने, तू चाहता है कि हम तेरे इशारों पे नाचे, तू कहे तो ये पढ़े, तू कहे तो वो पढ़े। हाँ भाई, पढ़ना पड़ता है। चलिए, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पशुला पाड़ूंगा, ठीक है, इट इज अ कैटल फेस्टिवल, ये आपका मवेशी महोत्सव है, और ये आपका बेसिकली बनाया जाता है कहां पे? ठीक है, आंध्र प्रदेश में। मानसर, चलिए, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, कनछोड़ उत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित देश में मनाया जाता है? ठीक है, तो कनछोड़ फेस्टिवल, ठीक है, किस भारतीय, ठीक है, आपका राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल या असम। तो कनछोड़ कहां मनाया जाता है? कनछोड़। ठीक है, वेरी गुड अमित दीक्षित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शादान, वेरी गुड अशोक कुमार, निक्की चौरसिया गलत हो, मोहम्मद रागे बहुत बढ़िया। चलिए, तो कनछोड़ आपका कहां मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका J&K जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर आज के टाइम पे आपका किस में काउंट होता है? यूटी में काउंट होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में काउंट होता है।
ब्रज होली महोत्सव किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ब्रज होली महोत्सव इज होस्टेड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? ठीक है, होली खेल रघुबीरा अवध में, होली खेल रघुबीरा, होली खेल रघुबीरा अवध में, होली खेल रघुबीरा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ब्रज होली महोत्सव, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का जो उत्तर है दैट इज डी, राजस्थान। मुझे पता था क्योंकि ब्रज की होली है, तो ब्रज की होली से आप इसे लगाओगे कहां? उत्तर प्रदेश। इसलिए पहला ही ऑप्शन रख दिया मैंने, क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ब्रज होली महोत्सव इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th to 13th March इन राजस्थान। इट इज प्रमोटेड बाय, ठीक है, राजस्थान टूरिज्म। ठीक है, राजस्थान टूरिज्म इसमें मेन रोल प्ले करता है। यूपी टीजीटी का एग्जाम कब तक होगा बेटा? जून जुलाई के आसपास। तो डी विल बी द राइट आंसर। इसको कहते हैं दिमाग से खेलना। होली कब है, होली कब है, होली कब है, राजस्थान में खिलेगी। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मुझे पता था तुम लोगों के सामने गाना भी गाऊंगा, तुम खुश होके आ रहे हैं, ब्रज की होली उत्तर प्रदेश यूपी मथुरा वृंदावन अपना नाचो सब। हाल ही में सुर्खियों में रहा पुतोला नाच, ठीक है, किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? ये तो मैंने आपको पढ़ाया, प्रॉपर पुतोला नख रहे स्वैग। सर मेरे पापा का नाम है रघुवीर सिंह। अच्छा जी, ओके ममता शुक्ला। ठीक है, तो हाल ही में, ठीक है, फेमस आपका पुतोला नाच, पुतोला, पुतोला प्रॉपर पुतोला नख रहे स्वैग, सूट पटियाला सर चुन्नी तेरी ब्लैक। थैंक यू चांदनी जी, प्रॉपर पुतोला, वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, बहुत बढ़िया, असम। ठीक है, असम में जो बेसिकली आपका कठपुतली का नाच होता है उसको हम पुतोला नाच बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द वुडन क्राफ्टेड कठपुतली। ठीक है, तो गाने से बहुत सारे लोगों ने असम में की जगह पंजाब चेंज कर दिया, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो वो पटोला है बेटा, ठीक है, वो पुतोला नहीं है। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कांगड़ा देवी का मंदिर भी आपका बहुत फेमस है, ये तो कर लोगे। कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कांगड़ा चित्रकला सुपर टेट कब होगा सर? पंकज सिंह पटेल, पहले यूपी टेट होगा उसके बाद सुपर टेट होगा। मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं लिया पवन प्यारे एटा वाले, धन्यवाद। ठीक है, तो कांगड़ा देवी का मंदिर कहां है? कांगड़ा देवी। ठीक है, वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका बेसिकली कांगड़ा चित्रकला करी जाती है, और ये चित्रकला आपका मुगल और राजस्थानी शैली की मिश्रण बोली जाती है। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हसे कला, ठीक है, ठीक है, एक अनूठी चित्रकला शैली है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो हसे कला, ठीक है, कभी कभार हंस हंस करके हंसते हंसते आपका, ठीक है, मुंह दर्द करने लगता है, हंसते हंसते मुंह दर्द करने लगता है हम लोगों का, तो केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, या पश्चिम बंगाल का है? सर जी एक बार फिर से डिस्काउंट करवा दीजिए 70 प्लीज, करते हैं बात। अरे तुम लोगों को हिंट दे रहा हूं, हिंट, कभी बार क्या होता है हंसते हंसते, ठीक है, मुंह दर्द करने लगता है, इतनी बड़ी हिंट दे दी, हंसते हंसते मुंह दर्द कर रहा है, कर रहा है, हंसते हंसते हमारा मुंह दर्द कर रहा है, वेरी गुड। ठीक है, जो लोग समझ गए बहुत बढ़िया, कर्नाटक। ठीक है, तो कर रहा है हंसते हंसते मुंह दर्द कर रहा है, दैट इज कर्नाटक, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो कभी कभार हमारा हंसते हंसते मुंह दर्द करने लगता है, तो हसे कला आपका बेसिकली कहां का है? दैट इज कर्नाटक। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट थिंग इज,
हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल के बारे में आपका यूपी टेट में एक क्वेश्चन भी आया था कि फॉरेस्ट का फार्मर किसे कहते हैं, जंगलों का किसान किसे बोलते हैं। तो आप जंगलों के किसान किसे बोलते हैं, एक पक्षी को बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है क्या, हॉर्नबिल, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है ये हॉर्नबिल कहां का राजकीय पक्षी है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता, असम, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल या बिहार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड में आपका सेलिब्रेट किया जाता है क्या, दैट इज हॉर्नबिल महोत्सव। और हॉर्नबिल को हम, ठीक है, जंगलों का किसान भी बोलते हैं। संगई, ठीक है, जैसे सांगुई के नाम से भी आपने सुना हुआ है, संगई महोत्सव, या फिर मैं इसे सांगुई महोत्सव भी लिख सकता हूं, ठीक है। भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार, मणिपुर, कर्नाटक या असम। हाँ कुलदीप चौधरी बात करते हैं, ठीक है। तो संगई या फिर सांगुई, ठीक है, सांगुई क्या है, ये क्या है, है क्या ये, है क्या ये सांगुई, संगई। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मणिपुर। सांगुई क्या है, बहुत फेमस है ये, एक नेशनल पार्क में देखा जाता है, क्या है, ब्लड सकर है। अच्छा है उमा शुक्ला, हर जगह बायो नहीं घुसेट नहीं होती, सांगवी वोर्स होते हैं, संगाई। अरे ठीक है, हाँ एनिमल तो है बट कौन सा एनिमल है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, डांसिंग डियर, नृत्य हिरन, कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, नृत्य हिरन, डांसिंग डियर, धन्यवाद शालिनी सिंह राजपूत जी, ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। तो डांसिंग डियर, ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, लोकटक, लोकटक नेशनल पार्क का नाम है कि झील का नाम है, कौन सा नेशनल पार्क सेवल है। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर इज कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजो नेशनल पार्क, विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, विच इज लोकेटेड नियर द लोकटक झील, जो कि आपका लोकटक झील के चारों तरफ है। नेक्स्ट थिंग इज कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली का है, है? अच्छा कठपुतली जिसको हम स्ट्रिंग पपेट्री बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से मतलब धागों से, ठीक है, आपका पपेट्री शो, ठीक है, कठपुतली नृत्य बोलते हैं, ये फेमस है मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, उत्तराखंड का या फिर राजस्थान का। धन्यवाद जी, तो वेरी गुड। तो कठपुतली नाच हमेशा आप कभी गए होगे, ठीक है, चोखी दानी वगैरह जयपुर गए होगे, चोखी दानी वगैरह गए होगे, तो वहां पे आपने खाना भी खाया होगा राजस्थानी फूड, और वहां आपको, ठीक है, तो ऐसे कठपुतली ऐसे डांस कर रही थी, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज राज्यों के साथ साथ महिलाओं के पारंपरिक परिधानों की सूची दी गई है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मेखला असम, फिरन कश्मीर, बोकू सिक्किम, मुंडू छत्तीसगढ़। धन्यवाद पूजा जी, ठीक है कुलदीप चौधरी मैं बात कर लूंगा, टेंशन मत लो, चोखी दानी मुरथल में भी है, यहां तो सब बकवास है, असली में राजस्थान में जाऊंगा। धन्यवाद मंजू लता जी, चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड, मोहम्मद राग, क्या नाम है, रागीव, ठीक है, अमित दीक्षित, बहुत बढ़िया। देखिए मेखला आपकी, ठीक है, मेखला मुगा, मेखला चादर साड़ी है, ठीक है, फिरन आपका कश्मीर में जो लंबा सा रहता है, देखा होगा आपने, बोकू सिक्किम की ड्रेस है, सही है, मुंडू आपकी छत्तीसगढ़ की नहीं है, डी विल बी द राइट आंसर। मुंडू आप सभी लोगों ने देखा है, आप अगर वो देखते हो, क्या बोलते हैं, कैरल की मूवीज,
कैरलाइट मूवीज देखते हो, तो जो शादी वगैरह में, ठीक है, वो जो पहन के जाते हैं बकायदा एक सूती सा वो रहता है और ऐसे गमछा, अयो कंडर, ठीक है, तो वो जो ड्रेस है कैरलाइट की पारंपरिक देश, उसको हम बोलते हैं मुंडू। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित ड्रॉइंग, उत्तर पश्चिमी भारत में हाथ से पेंट किया हुआ सजावटी रेशमी कपड़ा, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ब्लॉक पेंटेड ऊनी कपड़ा। धन्यवाद राकेश कुमार जी, धन्यवाद उपाध्याय जी, पठान देखना है कल जाएंगे, एग्जाम के चक्कर में जा नहीं रहे। धन्यवाद रोचन अग्रवाल, संदीप राय धन्यवाद, धन्यवाद प्रीतम जी, धन्यवाद मोहम्मद यामीन सर, आपने बर्थडे नहीं लिया, धन्यवाद कुलदीप चौधरी, आपका भी, आपका भी, सभी का धन्यवाद भाई, पढ़ लो, मेरा बर्थडे नहीं आएगा एग्जाम में, या अल्लाह। ठीक है, तो वेरी गुड। देखिए, कलमकारी अगर आप बोल रहे हो तो कलमकारी सीधे दिमाग में आपको क्रैक करना चाहिए क्या, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश, है ना, और आप सबको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश साउथ में है, तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो साउथ इंडिया में है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने करी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इकबाल या फिर जयशंकर प्रसाद। ये गलत किया तो एक हाथ कुटे जाएगा मेरे हाथों, सभी का धन्यवाद, आप पढ़ लो मेरे लालो। भारत का, ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रविन्द्रनाथ टैगोर लगाने वालों, तुम लोग जनता माफ नहीं करेगी, जनता के सामने मत चले जाना, मार मार के भूत बना देगी। ठीक है, तो राष्ट्रगीत दैट इज आपका कौन सा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या है हमारा, कौन सा है राष्ट्रगीत, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, कौन सा है सारे जहां से अच्छा, जनगण मन कौन सा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वंदे मातरम, शाबाश, तुम लोग मेरे जहां, ये आ गया है, सुरिता निषाद राष्ट्रगीत नहीं है, जनता माफ नहीं करेगी, इसलिए आजादी नहीं मिली तुम्हें कि तुम ये भी नहीं याद रख सको राष्ट्रगीत का है, राष्ट्रगान का है। ये देखो, सारे जहां से अच्छा, अशोक कुमार भी फंस गए, निवेदिता पांडे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अंशु जी ले लिया आपका भी, उर्वशी आपका भी ले लिया, सबका ले लिया भैया। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी राष्ट्रगीत कौन सा हमारा, वंदे मातरम, दैट इज सुजलाम सुफलाम मलयज शीशलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित सुहासिनी सुमधुर भासिनी, और फिर आगे गया था सुगदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, कुछ ऐसा ही था, बचपन में बोला करते थे। नेक्स्ट थिंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी के नाम के लिए प्रसिद्ध है, जोबिन निमेश धन्यवाद, धन्यवाद पंकज यादव, आ जाओ दिल्ली सारे के सारे, पार्टी ले जाओ, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ आपका इज फेमस फॉर द चिकनकारी, दीज आर द एम्ब्रॉयडरी वर्क ओवर द, ठीक है, कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, भारत में टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, देखिए पहली बार टेलीविजन 1959 में यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम भारत में टेलीविजन कौन से सन में यूज किया गया था, 1979, 1980, 1981 या 1982।
तो एक क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई पहली बार टेलीविजन कब यूज किया गया था, तो पहली बार आपका 1959 में, ठीक है, भारत में टेलीविजन पहली बार कब यूज किया गया था। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। ठीक है, तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 1982, 1982, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के दौरान, 24 जनवरी 1950 भारत की संविधान सभा द्वारा, 26 जनवरी ठीक है 1950 ठीक है भारत सरकार द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो पहली बार हमारा जो राष्ट्रगान है ठीक है दैट इज जनगणमन ठीक है कब गाया गया था, तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, ठीक है, तो वेरी गुड। तो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था आपका राष्ट्रगान। नेक्स्ट थिंग इज, राज्य में पाई जाने वाली चेंचूजन, और भी नाम नहीं मिला तुम्हें, चेंचू, तो चेंचू चेंचू जनजाति कहां पाई जाती है, ठीक है, चेंचू जनजाति कहां पाई जाती है, नालंदा, नालंदा की पहाड़ियों के आसपास। बहुत बढ़िया हिंट दे दी तुम लोगों को, नालंदा की पहाड़ियों पे देखने को मिलती है चेंचू जनजाति। अगर आपको सीटेट का नालंदा याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सीटेट का अगर आपको चेंचू या मतलब सॉरी नालंदा याद है ठीक है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, मार्स प्लेनेट में। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपने एक सीटेट में चैप्टर पढ़ा था जहां पे होलगुंडी गांव, नालंदा गांव, तो नालंदा ठीक है पहाड़ी एरिया में ठीक है एक जनजाति पाई जाती है चेंचू जनजाति, और ये नालंदा की पहाड़ियां आपकी कहां है, आंध्र प्रदेश में। बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, नागा, कुचिपुड़ी, कथकली या ओडिसी। ठीक है, तो मास्क डांस इज एसोसिएटेड विद, मास्क डांस इज, फिर कर्नाटक में क्या था, होलगुंडी गांव जहां सारी गुंडियां पैदा हो रही थी। मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है, मास्क डांस इज एसोसिएटेड विद, चलिए तो बेसिकली अगर आपने कभी शास्त्रीय नृत्य देखे हो ठीक है तो शास्त्रीय नृत्य में एक नृत्य है हमारा कथकली, जिसमें आपका फेस पे आपका मास्क वगैरह पेंट किए जाते हैं ठीक है, या फिर मास्क, ओरिजिनल मास्क यूज किया जाता है ठीक है। तो केरल में जो कथकली डांस है ये आपका मास्क डांस भी बोला जाता है। सी विल बी द राइट आंसर, तेरा ताली ठीक है कहां का लोक नृत्य है, तेरा ताली ठीक है सब मिलके बजाओ ताली ठीक है, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या मध्य प्रदेश। तेरा ताली कहां का है, 18th का क्या पता, सही बात है हर चीज थोड़ी पता होगी, तो तेरा ताली ये पहली बार भी सुन रहे होगे ठीक है, जहां की है आपकी सांपों की प्रजाति, सॉरी सांपों की ट्राइब जहां देखने को मिलती है, मतलब सांप पकड़ने वाली जनजाति जहां देखने को मिलती है। हिंट, सांप पकड़ने वाली जनजाति जहां देखने को मिलती है वहां का है तेरा ताली लोक नृत्य। सांप पकड़ने वाली जनजाति कौन सी है, सांप पकड़ने वाली जनजाति कौन सी है, सीटेट में पढ़ चुके हो, सपेरों की जनजाति कौन सी है, वेरी गुड वेरी गुड, काल बेलिया ठीक है, तो काल बेलिया राजस्थान की है आपकी, तेला तली
डांस, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, न्यू गिनी, आयरलैंड या फिर आपका ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बरुआ? नहीं बेटा, राजस्थान का है, तेरतली। एमपी में भी किया जाता है ना, बहुत सारे डांस शेयर किए जाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वेरी गुड, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, सबसे बड़ा नहीं, सॉरी, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, दैट इज आपका ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप भी आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यूपी टेट का क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार, यूपी टेट में दो बार पूछा गया ये, ठीक है, ईवीएस में और हिस्ट्री में एक बार पूछा गया, मतलब क्या बोलते हैं, पेपर टू एसएसटी में एक बार पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किलिमंजारो। अच्छा जी, वेरी गुड, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है आपका माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। कहां पे है ये? कहां पे? तंजानिया में है, ठीक है, इथोपिया में है, तंजानिया में है, इथोपिया में है, ठीक है, बर्मा में है, कहां है, ठीक है, कहां है? तंजानिया में है। अच्छा, कोटोपैक्सी, किलिमंजारो, तंजानिया, तंजानिया में, ठीक है, वेरी गुड चांदनी मोरे, बहुत बढ़िया। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इक्वाडोर में, ना तंजानिया में है ना इथोपिया में, इक्वाडोर में, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ब्राजील में अमेजन नदी में माराजो द्वीप, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप, इंडोनेशिया में डिगुल नदी में बोवेन डिगुल द्वीप, या ब्राजील में अमेजन नदी में तुपिन बराना द्वीप। बताओ, 21 का डी। अच्छा, तो इस दुनिया का, ठीक है, इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो है आपके भारत में, बहुत सुंदर जगह है, ठीक है, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे वो मनाने जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हनीमून मनाने भी जाते हैं, बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के तट के पास पाई जाती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, क्यूबा या श्रीलंका। ठीक है, तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ, रीफ आपकी हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है, स्ट्रेट माउंटेन टाइप में रहती है, डायटोमेशनस अर्थ रहती है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। ऐसी ही आपके माउंटेन अगर इस शेप में आ जाए, इस शेप में, ठीक है, इन शेपों को हम बोलते हैं क्या? एटॉल। ये भी वही है, प्रवाल भित्ति है, कोरल ही है, ये भी कोरल है, ये भी कोरल है, ठीक है। एटॉल टाइप के आइलैंड कहां देखे जाते हैं? एटॉल टाइप के आइलैंड भारत में कहां देखे जाते हैं? लक्षद्वीप प्रवाल से बना, वेरी गुड, ठीक है। एटॉल टाइप के आइलैंड भारत में कहां देखे जाते हैं? नहीं बेटा, बॉर्डर है, बॉर्डर है, सिलीगुड़ी बिहार और उसका बॉर्डर है। एटॉल टाइप के आइलैंड भारत में कहां देखे जाते हैं? निकोबार में, नहीं, ठीक है। एटॉल टाइप के आपके कहां देखे जाते हैं? दैट इज आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ये एटॉल है जो कि आपका लक्षद्वीप है, दोनों प्रवाल से बने हुए। ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी, कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से
अलग करता है, ठीक है? आपने देखा होगा ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां आपका न्यूजीलैंड है, तो कौन सा इनमें से जल निकाय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग कर रहा है? मेगालन, कुक स्ट्रेट्स, ग्रेट बैरियर रीफ या तस्मान सागर? सिली गुड़ी वेस्ट बंगाल में है रे, ठीक है, तो कौन सा कर रहा है? वेरी गुड, 23 का आंसर विल बी टेस्मैन सी, ठीक है, तो जल निकाय कौन सा है? टेस्मैन सी है, रीफ कोई जल निकाय नहीं होते, कौन लगा रहा है रीफ को अबे ओ तुमसे बोल रहा है वाटर बॉडी, तुम ग्रेट बैरियर रीफ लगा रहे हो, ग्रेट बैरियर रीफ वाटर बॉडी थोड़ी है, एक तरह से तो डायटोमेशियस माउंटेन है, वो तो कोरल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है? तो हमारे वर्ल्ड में कितना परसेंट एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है? हमारे ठीक है, वर्ल्ड में कितना एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है? ठीक है, तो कितना परसेंट एरिया घिरा हुआ है? वेरी गुड, ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, 7% एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज सराउंडेड विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षावन। एशिया और उत्तरी अमेरिका द्वारा, ठीक है, अलग किया जाता है डोवर जलड मरुमध्य द्वारा, बास जलड मरुमध्य द्वारा, कुक जलड मरुमध्य द्वारा या बेरिंग जलड मरुमध्य द्वारा? तो एशिया आपका रशिया और आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपस में क्या जुड़े नहीं है, सेपरेटेड है एक स्ट्रेट से, इस स्ट्रेट का नाम क्या है? ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, बास स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ डोवर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बेरिंग स्ट्रेट से आपका रशिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया सेपरेटेड है, डी विल बी द राइट आंसर। किसी स्थान की आर्द्रता को संदर्भित करता है बारिश पे, हवा में जल वाष्प की मात्रा पे, हिमपात पे या ऊपर के सभी पे? ठीक है, तो कोई आपका जो एरिया है उस एरिया में आपकी बेसिकली आर्द्रता कितनी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये किस पे निर्भर करता है? बारिश पे निर्भर करता है, जल वाष्प पे निर्भर करता है, हिमपात पे निर्भर करता है या फिर सभी पे निर्भर करता है? वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, जब भी बात आए आर्द्रता की, जब भी बात आए मॉइस्चर की, ठीक है, हमेशा आपको चेक करना है क्या, द अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर्स इन एयर, ठीक है, तो हवा में स्थित, ठीक है, आपकी जल वाष्प की मात्रा पे निर्भर करता है, तो बी विल बी द राइट आंसर। मरुस्थल में रातें अधिक ठंडी होती है क्योंकि आर्द्रता अधिक हो जाती है, रेत तेजी से ठंडी होती है, हवा जोर से चलती है या रात में बारिश होती है? तो बताइए, तो मरुस्थल में, ठीक है, मरुस्थल में आपका, ठीक है, रात में जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जो रेत होती है हमारी वो जितनी जल्दी गर्म होती है उससे ज्यादा जल्दी वो ठंडी होती है, इसलिए आपकी जो रातें होती है रेगिस्तान में वो बिताना बहुत ही टफ रहता है, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। पवन धाराएं किसके कारण उत्पन्न होती है? पृथ्वी पर आसमान ताप के कारण, यहां तक कि पृथ्वी पर गर्म हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी पर असमान ताप के कारण, ठीक है, यहां तक कि पृथ्वी पर गर्म हो रहे हैं, पृथ्वी पर समान ताप के कारण, समान गर्मी के कारण, ठीक है, पृथ्वी पर शीतलता के कारण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपका, ठीक है, जो पवन धाराएं, विंड करेंट्स, जिन्हें हम कन्वेक्शन करेंट्स भी बोलते हैं, मतलब संवहनी धाराएं भी बोलते हैं, जो कि आपकी ठंडी हवाएं लहरा के आई, संवहनी धाराएं भी बोलते हैं, ये पृथ्वी पे कैसे बनती है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है,
संवर्धी धाराएं के दो कारण है हमारी अर्थ में, एक अनइवन हीटिंग, असमान ताप, ठीक है, और दूसरा आपका, ठीक है, दैट इज ये आती है कहां से, नॉर्थ एंड साउथ से, और दूसरा आपका, ठीक है, मॉनसूनी विंड्स, ठीक है, यहां से आपकी बनती है संवहनी धाराएं। तो ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। बवंडर पहुंचता है, ठीक है, बवंडर पहुंचता है, ठीक है, महासागरों से विमान तक, ठीक है, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और रात से लेके सुबह तक। धन्यवाद अंकिता राज। ये क्या है, टोर्नाडो। जब आपके आसमान में, ठीक है, अनइवन हीटिंग्स होती है, उससे ऊपर में एक प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, विंड चलती है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, घूमते 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 डार्क फनल बनाती है काले रंग का, और नीचे की तरफ आती है, इसको बोलते हैं हमका बवंडर, और चक्रवात नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो वेरी गुड, आसमान से जमीन तक की ओर काले गहरे रंग के बादलों को हम बवंडर कहते हैं। इनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। साइक्लोन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इनकी स्पीड 150 से 250 किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, हवा का दबाव कम होने के कारण भारी वर्षा होती है, हवा की गति में कमी होती है, हवा की गति में वृद्धि होती है, या उज्ज्वल सूरज को रोशनी मिलती है। नमस्कार नमस्कार, बवंडर बालवीर में, ये कौन है बालवीर? धन्यवाद धन्यवाद। देखो बालवीर है कौन, ये तो बता दे मेरे को, ठीक है। देखो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, देखो जब यहां समझ लेते, ठीक है, ये क्या है, पेपर स्ट्रिप है, मैं ऊपर फूंक मारूंगा, यहां पे एयर की स्पीड ज्यादा है, एयर की स्पीड ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, भगाएगी। जब मॉलिक्यूल किसी जगह से चले जाते हैं, वहां पे एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नीचे एयर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये क्या ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो अगर रिड्यूस्ड एयर प्रेशर है, ठीक है, दैट मींस इंक्रीज विंड स्पीड होगी, सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है, सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है। फिर से पेपर स्ट्रिप, तुमको क्या दिक्कत है, पेपर स्ट्रिप हमारे हाथ में है। चलो नेक्स्ट थिंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पौधा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है, जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ, हाइड्रेला, ठीक है, वाटर लिली, कमल, बताओ, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इन सभी में जो पूरी तरह से आपका पानी में जलमग्न रहता है, इस पौधे का नाम है क्या, हाइड्रिला, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में आंध्र प्रदेश से टकराया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन हिट आंध्र प्रदेश इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022, मंडोस, असानी, जवाद या हेलेन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन बताइए, चलिए वेरी गुड, तो ये तो अभी आपने सुना होगा, ठीक है, दिसंबर 2022 में
आंध्र प्रदेश से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या था? मंडोस, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वांछित और अवांछनीय घटकों के आकार और रंग में अंतर होने पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपके सामने मैं एक ऐसी चीज रख दूं जिसमें साइज में अंतर है और कलर में भी डिफरेंस है, ठीक है, कलर में भी डिफरेंस है, कलर में भी डिफरेंस है, तो इनको हटाने के लिए आप कौन सी प्रक्रिया यूज करोगे? हाथ से बीनोगे, ताड़ोगे उसे, छानोगे या फिर निस्तारण करोगे? मेंडोस नहीं, मेंटोस नहीं है, मंडोस, ठीक है। तो साइज में भी डिफरेंट है और कलर में भी अंतर है, तो कौन सी प्रक्रिया यूज करोगे आप? वेरी गुड, आप क्या कर रहे होगे? चावल में से आप कीड़े निकाल लेते हो, है ना, सफेद चावल होता है, वो चावल वाला कीड़ा और पत्थर काले रंग के और वो कीड़ा भूरे रंग का होता है, तो तुम तुरंत पकड़ लेते। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज ए विल बी द राइट आंसर, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, पानी में चीनी के घोल के घटकों को अलग किया जा सकता है छानने से, क्रिस्टलीकरण से, निस्तारण से या फिर अवसादन से। पानी में चीनी के कणों को अलग किया जा सकता है किससे? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ये मेरे पास पानी है, ये पानी है, इसमें अगर मैं चीनी डाल दूं तो चीनी का जो सॉल्यूट चीनी जो रहे वो पानी में घुल जाएगी। अब तुम कह रहे हो सेडिमेंटेशन से अलग कर लूंगा, वो तो घुल गई, कैसे अलग करोगे? ठीक है, आप क्या कर दो उसका? क्रिस्टलीकरण कर दो, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर, या तो क्रिस्टलीकरण करो दो, ये नहीं कर पाओ तो इवेपोरेट करो, वाष्पीकरण करो इसका, पानी उड़ जाएगा, नीचे रह जाएंगे क्रिस्टल्स किसके? चीनी के। तो बी विल बी द राइट आंसर। जल से बालू को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? सिलाई से, वाष्पीकरण से, छानने से या अवसादन और निस्तारण से? सर मुझे ईवीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। थ्योरी पढ़ोगे बेटा तभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि सर दे देंगे क्वेश्चन, वो पढ़ लेंगे, पहुंच जाएंगे मुंह उठा के एग्जाम में। तो जब तक थ्योरी का कंसेप्ट नहीं है ना, अगर वहां पे क्वेश्चन घुमा दिए गए कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। सैंड फ्रॉम वॉटर इज सेपरेटेड बाय, ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आप मिट्टी को नीचे बैठने दे, ठीक है, फिर आप क्या ले, एक बीकर ले और धीरे धीरे करके पानी डाल दे, मिट्टी इधर रह जाएगी, बीकर में आपका पानी आ जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है, होप सभी के सही रहे होंगे काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, फॉर योर प्रेटी विशेस, ठीक है। बट अपन को अपना लक्ष्य नहीं खोना है, लक्ष्य को किसी भी हाल में पाना है ना। तो कल मिलते हैं, ठीक है, फिर से कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू। बंद कर देना भाई।